हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट पफ कैसे बनाते हैं लाइंस के साथ। फ्रंट पफ में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है कि उसकी जो बाउंस है वो कैसे आएगा, और उसमें जब हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं वो कैसे करनी है। तो ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और पफ बहुत अच्छे से ईजी वे में आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सेक्शन लेना है। सेक्शन जब आप ले रहे हैं तो सेक्शन लेते हैं ध्यान क्या रखना है आपको, कि ज़्यादा सेक्शन से मतलब छोटा ना हो, ब्रॉड सेक्शन होना चाहिए आपका फ्रंट से। तो इस तरीके से आपको सेक्शन लेना है। ज़्यादा छोटा सेक्शन हो गया तो आपका जो एक बाउंस है, एक जो गोलाई है वो अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा छोटा सेक्शन नहीं लेना है। ये इस तरीके से आपने एक सेक्शन लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, एक सेक्शन ऐसे लेना है, स्ट्रेट सेक्शन लिया है मैंने, अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद आपको बालों को होल्ड कैसे करना है ये देख लिया आप। बालों को होल्ड जो है ऐसे, बिल्कुल ये जो है टाइट ऐसे होल्ड नहीं करना, नॉर्मली ऐसे फिंगर्स में आपको होल्ड करना है बालों को। इस तरीके से जो आपकी हाथ की पोजिशन है वो ये होनी चाहिए आप बालों को होल्ड करते हुए। ये आपको ऐसे होल्ड करना है बालों को, सबसे पहले बिल्कुल टैंगल फ्री आपको बाल करने हैं। और उसके बाद जो कोम्ब आपको चलाना है ना, थोड़ा सा ऐसे करके चलाना है, डोंट ऐसे बिल्कुल मतलब बालों को ऐसे क्रॉस करके और फिर ऐसे मत करना, ये नहीं करना आपको। थोड़ा सा बालों को कोम्ब को बहुत लाइटली जैसे हम होल्ड करते हैं ना, तो बिल्कुल उस तरीके से आपको बालों को होल्ड करना है, और इस तरीके से आपको बैक कोम्ब करना है। बैक कोम्ब जब आप ऊपर से बैक कोम्ब करके ला रहे हैं तो उस बैक कोमिंग को ना बिल्कुल नीचे लाके रूट्स में इस तरीके से प्रेस कर दे। ये नहीं कि आपने रूट बैक कॉमिंग जो आप लाए ऊपर से वो यहाँ पे ही छोड़ दी, बिल्कुल रूट्स में लाके उसे सेट करना और फिर स्प्रे करना है इस तरीके से। और ये जो है आपको अपना सेक्शन थोड़ा सा इस तरीके से फैलाना है। ये जो मैंने सेक्शन फैलाया है ये जरूर आपको करना है। सेक्शन फैला के जो है उसकी गोलाई में साइड से जो हमारा एक गोलाई आती है ना, वो गोलाई काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए आपको सेक्शन को स्प्रेड जरूर करना है बैक कॉमिंग करने के बाद। दोबारा से एक ऐसे ही सेक्शन लिया, इस तरीके से, और फिर सिर्फ पीछे की साइड। बैक कॉमिंग जो है वो ज़्यादा फ्रंट में नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ पीछे की साइड आपकी बैक में जो बैक कॉमिंग है वो दिखनी चाहिए, और रूट्स में अच्छे से बैक कॉमिंग करनी है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बैक कॉमिंग जो हमारी उसमें हो रही है, वो सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि मेन जो इसके आपके दो ही पॉइंट है कि एक आप बालों को होल्ड कैसे कर रहे हो, उसमें फिर कोम्ब किस तरीके से चला रहे हैं। मेन आपका कोम्ब का जो चलाने का तरीका है वो वही है, तो कोम्ब अगर आप अच्छे तरीके से चलाओगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल लाइटली हाथ में होल्ड करके कोम्ब को, और फिर आपको चलाना है। ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देना बालों पे कि भाई बैक कॉमिंग होनी रही है तो थोड़ा प्रेशर लेना या कुछ भी ऐसा, बहुत ही लाइटली होल्ड करके कोम्ब को इस तरीके से आपको चलाना है। स्प्रेड जरूर करना, आप देख रहे हैं मैं सारे सेक्शंस को स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, तो इसमें आपको क्या करना है, बैक कॉमिंग बिल्कुल भी बालों को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट में एक बार जो फिनिशिंग आ जाएगी वो आ जाएगी, बार बार आप बैक कॉमिंग कर दोगे फिर उसे खोलोगे तो वाली वो बात फिनिशिंग की नहीं रहती, तो इसलिए आपको बैक कॉम करते वक्त ध्यान रखना है कि बैक कॉमिंग आगे क्रॉस ना करे बालों को। बिल्कुल ऐसे कॉम को सिर्फ इतना सा, आप देख रहे हैं मेरा कॉम सिर्फ इतना बालों में जा रहा है, बहुत ही हल्का सा कॉम आपका सिर्फ जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं मैंने ये इस तरीके से पूरा बालों में कॉम को लगा रखा है, हल्का सा बालों में कॉम जाना है सिर्फ, और सिर्फ बैक में आपको बैक कॉमिंग करना है। और जब आप फ्रंट में बैक, फ्रंट का लास्ट सेक्शन जो होता है मैं फ्रंट का, उस सेक्शन में जब आप बैक कॉमिंग कर रहे हैं तो हाथ को थोड़ा सा अपने सेक्शन को इस तरीके से आगे को बेंड कर ले फ्रंट की साइड से,
थोड़ा सा बेंड कर ले अपने हाथ को और फिर बैक कवर करें। ये देखें, ये हमने जो स्प्रेड करा था सेक्शन, उसका क्या आप समझ गए होंगे कि साइड से जो इनकी ये गोलाई आई है, ये गोलाई जब ही आएगी जब आप सेक्शन को स्प्रेड करोगे। अब आपको अच्छे से साइड से बालों को, जो भी फ्रिजी हेयर है, बिल्कुल उन्हें अच्छे से कॉम्ब करना है। इस तरीके से बिल्कुल लाइट लाइट कॉम्ब चलाना है, ज़्यादा दबा के नहीं, प्रेशर के साथ ही चलाना, क्योंकि जो हमारी बैक कॉम्ब है वो भी खुल सकती है, तो इसलिए बहुत ही लाइटली आपको कॉम्ब चलाना है। इस तरीके से उसके बाद आप क्या करोगे, यू पिन लोगे। यू पिन से अभी क्योंकि हमें इसमें लाइंस भी निकालनी है, तो यू पिन से इस तरीके से बालों को होल्ड कर दोगे। ये चीज फिंगर से बिल्कुल टिप से बालों को इस तरीके से होल्ड करना है और ऊपर की तरफ को पुल करना है। ये चीज, ये जब आप बालों को एक जो लाइन्स आप क्रिएट कर रहे हो उस लाइन को आपको यहाँ से भी इस पर पुल करना है, यहाँ से भी करना है और यहाँ से भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से आप पुल कर रहे हैं, क्योंकि उससे फिर जो एक लाइन की जो शेप है, जो गोलाई है, वो नहीं आएगी। इसलिए आपको उस पूरी लाइन को पुल करना है ऊपर की साइड से, इस तरीके से। पहले आप सारी लाइंस जो है वो निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसमें स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ अगर स्प्रे करेंगे तो फिर जो आपकी लाइंस है, बाले जो भी आपके सारे बाल हैं वो चिपचिपे हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे, तो उसके बाद लाइंस नहीं निकलेंगी। तो इसलिए पहले आपको सारी लाइंस जो है वो पहले लाइंस क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको स्प्रे का यूज़ करना है। इस तरीके से आप जो अपने बालों में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते हुए क्या करना है आपको, स्प्रे जो है आपको ऊपर से नहीं करना, स्प्रे आपको करना है साइड से, जो आपकी लाइंस है उसके नीचे, यहाँ पे आपको स्प्रे करना है, ना कि यहाँ पे। स्प्रे करके फिंगर से उसे इस तरीके से एक फिनिशिंग देनी है।